गाइस यार, स्वागत है आप सभी का दोबारा से मेरी एक और न्यू अमेजिंग वीडियो के अंदर। एंड गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग खेलने वाले हैं दोबारा से माइनक्राफ्ट। लेकिन गाइस, आज इस वाले गेम के अंदर मेरे पास एक नेम टैग है जिसका नाम है हैकर। यानी कि गाइस, जिसको मैं ये मॉब को दूंगा ना गाइस, वो देगा मुझे ओपी टूल्स। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हो, ये चीज़ हो चुकी है अभी। यहाँ पे मॉब जाती आ चुका है एक शल्कर बॉक्स। एंड गाइस, जैसे ही मैं इस शल्कर बॉक्स को ओपन करता हूँ, मुझे यहाँ मिल जाते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रेजी टूल्स। और उनकी जो इंजॉयमेंट है गाइस, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। माइनक्राफ्ट के मुकाबले इसकी जो इंजॉयमेंट है गाइस, वो 20 टाइम तो नहीं कहूँगा लेकिन 5 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। यानी कि जो भी नॉर्मल टूल को हम जितना ज़्यादा मैक्स लेवल अपग्रेड कर सकते हैं, ये उससे ज़्यादा 5 गुना गाइस तगड़े होने वाले हैं। तो यार, आप लोग देख सकते हो कितनी तगड़ी तगड़ी इंजॉयमेंट लग रखी है इन सभी के ऊपर। रैप टाइप 10 पावर 10 लग रखे भाई। और यहाँ पे देखो, बस गाइस अब चाहिए ही क्या यार, अब तो बस एंडर ड्रैगन को अच्छी तरीके से कुटाई करनी है भाई। रफ्तार देखो पानी की, ठीक है। तो यार ये सब छोड़ो, बाय द वे मैं इसको यूज़ तो कर रहा हूँ लेकिन लक 12 होने के बावजूद भी मेरे को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला यार उसका। हाँ, मतलब ये कि हर एक बार पे कुछ ना कुछ ढंग का मिल रहा है। रोटेन फ्लैश मिलता है बेसिकली, तो वो मेरे को नहीं मिला। और मेरे को एक ये भी मिल गया जो एक, चलो ठीक है भाई, मैंने 5-6 बार करा बस, ज़्यादा ट्राई नहीं करा। अभी देखते हैं हम लोग इससे कितना ऊपर उड़ सकते हैं। और ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा चुका है बेसिकली। अभी मुझे रॉकेट की ज़रूरत नहीं है। और मैं उड़ रहा हूँ क्या यार, मतलब मैं नीचे नहीं जा रहा क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है शायद से, लेकिन पता नहीं क्यों गाइस। इलाइट्रा पे ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस अनब्रेकिंग और मेंडिंग है। एंड इसकी हेल्प से मैं इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से उड़ूं, ये तो गाइस हो नहीं सकता। और जैसा मुझे लगा था, मेरे जूतों पे लग रखे है फिदर फॉलिंग, जिसकी हेल्प से गाइस मैं इजीली जल्दी नीचे नहीं गिर रहा है ना। यानी कि मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ, मतलब रॉकेट के यूज़ के बिना भी मैं इजीली बहुत दूर तक गाइस उड़ सकता हूँ। क्योंकि यार वाटर हमें हर जगह मिल जाता है, और ना मिला तो वाटर बकेट तो हम बना ही लेंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ मिल चुका है एक विलेज, तो इसको थोड़ा लूट पाट करने के बाद, वैसे ज़रूरत तो नहीं है ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग लूटेंगे तो चलो पहले इसी घर में चलते हैं। यहाँ पे मुझे एक चेस्ट दिखाई थी जिसके अंदर केवल और केवल कचरा है ना। तो वैसे यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है मेरे को वुड की, तो मैंने एक घर में से यहाँ पे वुड उठा ली है, ठीक है। बाद में उठाएंगे नहीं, चिंता मत करो, ठीक है। एंड एक से उठा तो दूसरे वाले को बुरा लगेगा ना कि भाई मैं इसे उठा लिया। क्योंकि गाइस आजकल यही चलता है भाई, मेरा हुआ तो उसका की नहीं हुआ, उसका हुआ तो मेरा। तो गाइस यार, मैंने झंझट ही खत्म कर दिया, सीधी बात दोनों का घर गया। और अभी यहाँ से निकलने का समय हो चुका है, और तो यहाँ से जल्द निकलते हैं यार। मतलब बादलों के भी ऊपर चले जाता हूँ, इतना ऊंचाई पर आ चुका हूँ। मैं लिटरली कह रहा हूँ 2000 ब्लॉक दूर मैं इजीली ट्रैवल कर सकता हूँ केवल एक बार उड़ने पर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए फिर से दोबारा से उड़ते हैं। और वेट मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा? अरे यार, ये लोग सस्ते नशे करके आते हैं, मुझे दिक्कत होती है। ये हुआ लॉन्च और ये हुआ फायर। एंड देन गाइस फाइनली उड़ते हुए काफ़ी टाइम तो मेरे को हो चुका है। थोड़ा नीचे उतर के देखते हो, और यहाँ पे मुझे गाइस कुछ अजीब से लग रहा है। गाइस अगर सीधे सीधे बोलूँ तो मेरे को फीलिंग आ रही है कि नीचे की तरफ गाइस एक एंड सिटी है। क्योंकि गाइस हमेशा ना इन्हीं जगहों पे हमें एंड सिटी देखने को मिलती है। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए सीधे जाने वाला हूँ। और अरे यार, ये क्या है रे, सस्ते आदमी रे यार। मैं स्वॉर्ड के अंदर ना गाइस थोड़ी ढंग की एंजॉयमेंट नहीं है, ठीक है। मेरे पास इफिशियंसी दे रही है भाई स्वॉर्ड के अंदर, यार शार्पनेस देते कुछ बिगड़ जाता। मतलब बेसिकली अगर स्वॉर्ड से मुझे कुछ खाना वाने कलेक्ट करना है ना, तो मैं उसी के लिए कोई आइटम कलेक्ट करने के लिए मॉब से जो मिलता है ज़्यादा मिले तो उसके लिए है केवल, ठीक है। बाकी मॉब्स को अगर मारना है तो गाइस यार उसके लिए तो हमारे पास केवल हमारी एक्स ही है। बाय द वे गाइस, अगर बात की जाए हमारी इफिशियंसी की और यहाँ पे इसकी लूटी सॉरी क्या कहते हैं फॉर्च्यून की गाइस, तो अपनी जो पिकैक्स है वो एकदम ओपी है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जल्दी चलते हैं। एंड काफ़ी देर हो चुकी है, मेरे हिसाब से मुझे स्ट्रिप माइनिंग ही करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा मन नहीं है स्ट्रिप माइनिंग करने का, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ा एक्सप्लोर ही कर ले इस जगह को। तो यार ये जगह तो बदल निकली। अब भाई साहब स्ट्रिप पैनिंग कर रहे हैं ना गाइस, इधर करेंगे ना उधर करेंगे, सीधे नीचे और देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है आखिर। काफ़ी देर तो मुझे हो चुकी है अभी, और अभी तक नीचे मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल ब्लॉक्स ही आ रहे हैं ना। और अगर बात की जाए नीचे जाने की, तो मैं कुदक कुदक के जा रहा हूँ पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे ओके
तो गाइस यहाँ पे भी थोड़ा खतरनाक माहौल तो हो चुका है गाइस, है ना। और वेट 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 वेट, वो नो मेरी वाइब्रेशन पहुँची और मुझे यहाँ पे गाइस अभी तक एक भी वो दिखाई नहीं दिया जिसकी हेल्प से यहाँ पे वार्डन स्पॉन हो सके। ठीक है, लगता है कि वो यहाँ पे नहीं, और हिलना नहीं। अगर मैं हिला तो वार्डन स्पॉन हो जाएगा, और हिलना नहीं है, बस हिलना नहीं है, इतना याद रखना है। डार्कनेस का इफेक्ट जब तक मिला है मेरे को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना है। और ओके, मैं पागलपंती कर रहा हूँ, पता नहीं टॉर्चेस क्यों लगा रहा हूँ, मेरे को उसे तोड़ देना चाहिए इस वक्त। लेकिन यहाँ पे और भी है गाय, तो इसी वजह से मैं कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ यार एंड सिटी हम तो फाइंड नहीं करने वाले, क्योंकि एंड सिटी हम लोगों के साथ मिलने वाली नहीं है, ठीक, क्योंकि कभी कभार ही मिलती है। और इस वक्त मैं सोच रहा हूँ, और इस वक्त गाइस यहाँ पे वार्डन स्पॉन हो चुका है, और यहाँ पे शिट गाइस स्पाइडर्स आ चुके हैं, मेरे को जल्द से जल्द भागना होगा, मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा यार, ये इफेक्ट ख़त्म ही नहीं होता। तो काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद मैं वहाँ से भागा, और उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे आ चुका, और यार क्या ये रे पिटेगा रे। तो फाइनल यार देखो मैं बेसिकली वहाँ से भाग गया, क्योंकि गाइज मेरे पास इस वक्त कुछ भी खाने के लिए खाना नहीं था, एटलीस्ट रोटेन फ्लैश तक भी नहीं था इतना कि मैं अपना काम चला सकूँ उससे गाइज। तो इसीलिए मैं भाग गया, एंड मेरे पास एक आइडिया, देखो मैंने जलाऊंगा एंड अपनी लूटिंग 12 की स्वॉर्ड से मारूंगा, तो जिसकी हेल्प से मेरे को बहुत सारा कुक्ड फूड मिलने वाला है। एक बार में 10 मिल गया, यानी कि गाइज आप लोग सोच सकते हो ना, केवल मेरे को 10 एनिमल मारने हैं और मेरा पूरे गेम का राशन हो जाएगा गाइस इजीली। ठीक है, तो ये है मेरा आज का प्लान। और सबसे ज़्यादा मेरे को पिग मारने हैं, क्योंकि गाइस जो पिग होते हैं उनका जो माइनक्राफ्ट सबसे बेस्ट फूड माना जाता है हमारे पिग। ठीक है, तो थोड़ा खाना मेरे पास पहले था एंड 34 अभी हो चुका है, और थोड़ा मैंने पहले भी इकट्ठा कर लिया था जल्दी जल्दी में। ठीक है गाइस, बिना फायर का, है ना, तो उसको मैंने कुक करने के लिए रख दिया था। तो अभी यहाँ पे आते आते काफ़ी देर तो हो चुकी है, मैं एंड सिटी बेसिकली ढूंढने लग गया हूँ, है ना। उम्मीद है तो नहीं, लेकिन जब भी मैं ढूंढ रहा हूँ और देखता है गाइस क्या होता है, क्या मेरे को एंड सिटी मिलेगी या नहीं। भाई एक्स के सामने तो इनमें से कोई टिकने वाला नहीं, बस एक हाथ लगाना है और ये ख़त्म। ठीक, तो यार वैसे बाय द वे गाइस यहाँ पे काफ़ी देर हो चुकी है, भाई मुझे एक भी एंड सिटी क्यों कह रहा हूँ मैं, एंशियंट सिटी। देखो गाइस यार फ्लो में कभी कभार निकल जाता है, और पहले तो यहाँ पे टॉर्चेस लगाता हूँ एंड देन उसके बाद सामान कलेक्ट करेंगे, और मेरी उम्मीद तो है गोल्डन एप्पल मिलने की, जो भाई मिल भी गई यार। देखो बेसिकली बताऊँ तो इसकी ज़रूरत मेरे को शायद से ना पड़े, क्योंकि आर्मर अपना बहुत खतरनाक है, टूल्स भी अच्छे खासे है गाइस। ठीक है, और लेकिन दिक्कत की बात ये ना गाइस कि मैं पहली बार शायद से इससे फाइट कर रहा हूँ इस वक्त। तो अभी मैं यहाँ पे वार्डन को स्पॉन तो नहीं करना चाहता, क्योंकि गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ना जितने भी एक्स्ट्रा होने वाले हैं, यहाँ पे बेसिकली ना गाइस 2 स्कल सेंसर है जिनमें से मैं केवल एक ही रखने वाला हूँ, और बाकी सारे स्कल सेंसर्स को मैं तोड़ने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से केवल एक ही वार्डन स्पॉन होगा एंड मैं उसी से फाइट करूँगा। तो अभी यहाँ पे केवल एक ही बचा, तो इस पे मैं वो मारता हूँ एंड देन यहाँ पे हल्ला डुल्ला और कर देते हैं, जिससे कि वार्डन इजीली स्पॉन हो जाए और मुझे यहाँ से जल्द भागना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मैप होने वाला है। पहली बार फाइट कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है मेरी, एंड देन गाइस अगर बात की जाए बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है। शायद से फाइट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने के लिए मिले, क्योंकि पहले से ही वीडियो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो बड़ी वीडियो में गाइज अफोर्ड नहीं कर सकता। गाइज यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम थोड़ा थर्ड पर्सन वाला गाइज इंट्रो एग्जिट नहीं करने वाले, खतरनाक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको फाइट देखनी तो कमेंट करो जल्द से जल्द। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।